अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैर वफ़ियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हार्डशिप के बुनियाद पर तबादला जात, जैसा कि इतलाक, बेवगी, जिस्मानी मजदूरी, दूर दराज जिनकी जो है वो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, तैनाती और सेहत के संगीन मसाइल के लिए दरख्वास्त देने वाले तमाम उसातज़ा से गुजारिश है कि वो अपनी तबादला दरख्वास्तें मुतलका सीओज़ को जमा करवाएं। इस अमल में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए दरख्वास्त दहिंदगान से गुजारिश की जाती है कि वो अपनी दरख्वास्त के की एक नकल दर्ज ज़ैल लिंक या क्यूआर कोड के ज़रिए अपलोड करें, जिसका जायज़ा मैं बराह रास्त लूँगा। ये मिनिस्टर साहब की तरफ से है, ये नीचे लिंक दिया हुआ है, मैं आपको वो भी अपडेट कर देता हूँ क्या क्या चाहिए क्या, और इसमें लिंक को भी ओपन करके चेक करवाया। तो ये लिंक पे क्लिक करेंगे हम लोग, ओपन लिंक पे क्लिक किया तो ये हमारे पास ये वाला पेज खुल जाएगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, ये सैम्पल ऑफ एप्लीकेशन है फॉर ट्रांसफ़र के लिए। इसमें डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आके तहसील लिखा हुआ है, और मेल फीमेल जो भी आपका है, उसके बाद नंबर, डेटेड, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र ऑन जो भी बेस पे है वो आप लिखेंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट इट स्टेटेड दैट आई एम, जो भी आपका है आपकी डिटेल आ जाएगी। टीचिंग इन सिंस टू प्रेजेंट, जिस डेट से आप कर रहे हैं वो यहाँ पे डेट आ जाएगी। आई एम अप्लाइंग फॉर ट्रांसफ़र ऑन, जिस बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिखे। काइंडली कंसिडर माई एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू। उसके बाद योर ऑफिशियल, नेक्स्ट है डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ये मेल के लिए है, वो इसी तरह सैंपल सारे बने हुए हैं। उसके बाद है जी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी है, आपने अपने तहसील या डिस्ट्रिक्ट का जो भी होगा वो आपने लिख लेना है, नाम वगैरह। तो उसके अलावा रिस्पेक्टेड सर, ये उसी तरह बाकी सारा सेम क्राइटेरिया, क्योंकि कुछ लोगों की एप्लीकेशन जो है वो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डीओ को जाएगी, कुछ की डीओ को जाएगी, कुछ 16 में काम कर रहे होंगे, कुछ जो है वो 14 या 15 पे काम कर रहे होंगे, तो ये उस बेस पे, या कुछ एलिमेंट्री स्कूल से होंगे, कुछ प्राइमरी स्कूल से, कुछ जो है वो हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल से होंगे, तो उस हिसाब से ये है। उसके बाद ये है जी परफॉर्मा फॉर ट्रांसफ़र ऑन कन्वेंशनेट ग्रुप्स, नेम ऑफ टीचर आ जाएगा, CNIC नंबर आ जाएगा, उसके बाद करंट डेजिग्नेशन विद बेसिक पे स्केल आ जाएगा, आप जो है वो डेजिग्नेशन कौन सा आपका PST है, EST है, SST है, जो भी। EMIS कोड आ जाएगा ऑफ प्रेजेंट स्कूल, आपके स्कूल का EMIS कोड लिखेंगे, नेम ऑफ प्रेजेंट स्कूल लिखेंगे, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आ जाएगी, जिस डेट को आप अपॉइंट हुए हैं जो स्कूल में अभी काम कर रहे हैं। कैटेगरी ऑफ ट्रांसफ़र क्या है जी, वेडलॉक है, डिवोर्स है, डिसेबिलिटी है, विडो है, मेडिकल है। इन केस ऑफ वेडलॉक, स्पाउस इज गवर्नमेंट सर्वेंट, प्लीज़ टिक द रेलेवेंट, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो फिर यस करेंगे। आपकी बीवी अगर जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, या आपके खावन जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर वाइफ अप्लाई कर रही है तो खावन अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो। उसके बाद प्रपोज स्कूल फॉर ट्रांसफ़र, कंसर्न पोस्ट मस्ट हैव वैकेंट पोस्ट एज पर SIS, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है उस स्कूल का EMIS कोड लिखेंगे, नेम ऑफ स्कूल लिखेंगे, जिसमें सीट भी आपने चेक कर लेनी है कि वहाँ पे सीट भी वैकेंट है उस पोस्ट के अगेंस्ट या नहीं, जिस जिस स्कूल में अवेलेबल है वो आप लिस्ट में लिख देंगे। उसके बाद है जी मार्क फॉर अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, हैंड रिटन एप्लीकेशन होगी जो आपको पहले चेक करवाई है, अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट, CNIC पे स्लिप, ये तीन चीज़ होंगी। उसके बाद फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर एंड जॉइनिंग ट्रांसफ़र ऑर्डर, लिविंग जॉइनिंग, अगर आपने कहीं पे अगर आप पहले से ही वहाँ पे रिक्रूट है तो फिर आपको ट्रांसफ़र जो है वो ऑर्डर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी ट्रांसफ़र हुई नहीं है, अगर आप कहीं और पर भी ट्रांसफ़र हुए हैं तो वो भी साथ लगेंगे। उसके बाद कंप्यूटर निकाहनामा साथ लगेगा, तलाकनामा या हस्बैंड्स डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, स्पाउस सर्विस सर्टिफिकेट लगेगा, एंड स्पाउस CNIC फॉर स्पाउस डोमिसाइल। उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा अगर डिसेबिलिटी बेस पे कर रहे हैं, अगर मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय
अथोराइज मेडिकल बोर्ड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जो मेडिकल डिस्ट्रिक्ट का बोर्ड है उसने जो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट इशू किया वो लगेगा, साथ अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स साथ लगेंगे। उसके बाद ये नीचे वाला सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ भी आएंगे, और ये जो है वो फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, ये सिर्फ ऑफिस के लिए इस्तेमाल के लिए है। फिर ये चेकलिस्ट आ गई जी। चेकलिस्ट में क्या होगा, नेम ऑफ एप्लीकेंट आ जाएगा, उसके बाद डेजिग्नेशन आ जाएगा, करंट स्कूल नेम आ जाएगा, EMIS कोड आ जाएगा, उसके बाद डिज़ायर्ड स्कूल नेम, EMIS कोड आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो एप्लीकेशन आ जाएगी हार्ड कॉपी में, टेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC, शनाख्ती कार्ड जो आपका है उसकी कॉपी जो है वो टेस्ट होनी चाहिए, टेस्टेड कॉपी ऑफ द फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर एंड जॉइनिंग रिपोर्ट, टेस्टेड कॉपी ऑफ लास्ट पोस्टिंग ऑर्डर, जो आपकी लास्ट पोस्टिंग हुई है वो आपके ऑर्डर जो है वो उसकी कॉपी चाहिए, अटेस्टेड, ये सारी चीज़ें अटेस्टेड होनी चाहिए, अटेस्टेड कॉपी ऑफ लास्ट पोस्टिंग ऑर्डर, अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय द असेसमेंट बोर्ड इफ़ एप्लीकेबल। अगर आपका डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो भी अटेस्ट होना चाहिए। इन केस ऑफ डिसेबिलिटी ऑफ टीचर आर हिज हर स्पाउस और किड्स, अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू बाय असेसमेंट बोर्ड। अगर बीवी अप्लाई कर रही, खावन की डिसेबिलिटी है या बच्चों की भी डिसेबिलिटी है, तो वो भी अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। इन केस ऑफ विडो, अटेस्टेड कॉपी ऑफ निकाह नामा, डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हस्बैंड इशूड बाय नादरा। इन केस ऑफ डिवोर्स, खुला, अटेस्टेड कॉपी ऑफ निकाह नामा एंड डिवोर्स सर्टिफिकेट इशूड बाय कंसर्न यूनियन काउंसिल। फॉर वेडलॉक, अटेस्टेड कॉपी ऑफ निकाह नामा, अगर वेडलॉक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डिवोर्स वाले अगर अप्लाई कर रहे हैं या खुला वाले, तो उसके लिए अटेस्टेड कॉपी ऑफ निकाह नामा भी चाहिए, डिवोर्स सर्टिफिकेट भी चाहिए। अगर वेडलॉक बेस पे कर रहे हैं उसके लिए भी निकाह नामा, शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल एंड करंट पोस्टिंग ऑर्डर ऑफ स्पाउस इफ एप्लीकेबल। फॉर फीमेल टीचर्स हु हैव टू शिफ्ट रेजिडेंस इंटर सिटी और डिस्ट्रिक्ट, अटेस्टेड कॉपी ऑफ निकाह नामा, CNIC ऑफ हस्बैंड, रेजिडेंशियल और एड्रेस सपोर्टेड बाय रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, यूटिलिटी बिल्स भी चाहिए उसके लिए। इन केस ऑफ सर्कमस्टेंशियल्स सिंगल पेरेंट, द टीचर शैल प्रोवाइड डॉक्यूमेंट एविडेंस, कॉपी ऑफ वीज़ा चाहिए, पासपोर्ट एंड एफिडेविट ऑफ द टीचर। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑन मेडिकल ग्राउंड, मेडिकल सर्ट इशूड बाई मेडिकल बोर्ड EHQ कंसर्न, उसके बाद नीचे जो है वो कैंडिडेट के सिग्नेचर हो जाएंगे। तो इस तरह आपके ये जो कंप्लीट है ये डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। और ये एक और चीज़ है, हदायत बरए हार्डशिप ट्रांसफ़र, हर लिहाज से मुकम्मल दरख्वास्त जो डॉक्यूमेंट्स हैं जितने भी आपको बताए, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक, 8 अगस्त से 10 अगस्त तक, मुतलका CEO ऑफिस, और उसको अपलोड भी करना है। जिस स्कूल में ट्रांसफ़र करवाना मकसूद है वहाँ खाली सीट मौजूद हो, ये पहले डिस्कस हो चुकी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 स्कूल की तरजीहात लिखी जा सकती है, मौजूदा स्कूल का नाम, EMIS कोड वो आपको पहले बता दिया है, बाकी ये कुछ है, ये हदायत देख लीजिएगा आप लोग। उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों ने अपनी जो एप्लीकेशन होगी उसको अपलोड भी करना है, ईमेल एड्रेस टिक कर देना है, इसको फ़ोन नेम लिखेंगे, CNIC नंबर आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, फ़ोन नंबर आ जाएगा, उसके बाद ईमेल एड्रेस है, नेम ऑफ द करंट स्कूल आ जाएगा, करंट स्कूल, EMIS कोड आ जाएगा, नेम ऑफ द प्रपोज स्कूल वेयर टू ट्रांसफ़र वो लिखेंगे, EMIS कोड ऑफ उस स्कूल का लिखेंगे, करंट डिस्ट्रिक्ट, करंट मरकज, और यहाँ पर आप लोगों ने अपना इशू लिखना है, जिस बेस पे हार्डशिप ट्रांसफ़र कैटेगरी, वेडलॉक है, डिवोर्स्ड है, विडो है, उसके बाद डिसेबिलिटी है, सीरियस इलनेस है, लॉन्ग डिस्टेंस है, इशू फॉर ट्रांसफ़र काइंडली प्रोवाइड अ कम्प्रीहेंसिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द हार्डशिप यहाँ पे उसके बारे में, और नीचे जो है वो आप लोगों ने मैक्सिमम 10 MB की फ़ाइल जो है वो अपलोड करनी है। अगर आपके डॉक्यूमेंट ज़्यादा है तो आप उसको जो है, और आप PDF बना लें, अगर ज़्यादा पिक्चर हैं, जितनी भी चीज़ें आप सबमिट करवा रहे हैं उन सब की PDF बना लें, आपके पास रिकॉर्ड भी रह जाएगा, और वैसे भी यहाँ पे भी अपलोड के लिए आसानी होगी। अगर पिक्चर अपलोड करेंगे तो वो एक ही होगी, या उन सबको मर्ज करना पड़ेगा। बेहतर यही है कि आप उसकी कैम स्कैनर से सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके उसकी एक PDF बना के उसको यहाँ पे, मैक्सिमम 10 MB है तो आप लोगों की फ़ाइल छोटी बनेगी, यहाँ से अपलोड करके सबमिट पर क्लिक करें। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अगर क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर होगा करें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।